सावन महीने में व्रत रखने के फायदे। सावन के महीने में व्रत रखने के कई फायदे हैं। इसका महत्व सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि सेहत के लिए भी है। हिंदू धर्म में इसे महादेव के पूजन का मौसम बताया गया है। महादेव की पूजा करके एक समय फलाहार करते हैं। इसके अलावा इस पूरे मौसम लोग सात्विक भोजन करते हैं और उन चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि आसानी से पेट द्वारा पचा लिया जाए। इस मौसम में इम्यून सिस्टम वीक होता है। सीजन बदलते ही कई तरह की बीमारियां भी बढ़ने लगी है। ऐसे में खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में एनर्जी और डाइजेशन स्लो रहता है। हमें इसके मुताबिक अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव जरूरी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में सावन में फास्टिंग की परंपरा क्यों बनाई गई होगी? सावन के इस बरसाती महीने में फास्टिंग के पीछे आयुर्वेद का एक तर्क है। दरअसल इस मौसम में बारिश की वजह से साग सब्जियों की कमी हो जाती है। इसके अलावा पत्ते और हरी सब्जियों में कई प्रकार के कीड़े लगे रहते हैं। इन्हें खाना पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन मानसून सीजन में आता है और इस मौसम में उमस के साथ गर्मी ज़्यादा रहती है। ये उमस आपके पाचन तंत्र को सुस्त बना देती है। इससे आपको पेट और आंतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पहले तो बदहजमी, गैस, एसिडिटी, सूजन और पेट भरा होने का लगातार एहसास जैसी समस्याएं। व्रत करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसमें शामिल है दिल की बीमारियां, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप, त्वचा संबंधी समस्याएं और बहुत सारी अन्य बीमारियां। इस साल सावन का महीना और भी पावन है क्योंकि आपको कुल 8 सोमवार के व्रत करने का अवसर मिल रहा है। यदि आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार सभी सोमवार में व्रत करके शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद।